नमस्कार, मैं रोशन शास्त्री और आप देख रहे हैं यूआईयू का फेसबुक लाइव। तो फिलहाल हम खड़े हैं मुंबई के मशहूर बीच गिरगांव चौपाटी पर, जहां पर इस वक्त लाखों की संख्या में गणपति बप्पा के भक्त उनको 10वें दिन यानी विसर्जन के दिन विदाई देने के लिए जमा हुए हैं। होता ये है कि जो ये बड़ी गणपतियाँ होती हैं उनके साथ वो अपने साथ एक बड़ा हुजूम भी लेकर आती है, और हुजूम को संभालना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए सब कुछ व्यवस्थित तरीके से होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो छोटी मूर्तियाँ हैं उन्हें लाया जा रहा है। तो लोग यही नारा लगाते हुए कि गणपति अप्पा मोरिया, और कामना करते हुए कि पुरचावर्षी तुल लवकर यानी जल्दी आने की बात करते हुए यहाँ पर आइए, मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ। इस नज़ारों को नज़रों में कैद करने के लिए उमड़ी है। ये देखिए, हर कोई इन लम्हों को, आखिरी लम्हों को कह लीजिए जो इस साल के आखिरी लम्हे होंगे, उन्हें कैद कर लेना चाहता है, क्योंकि आज जब बप्पा का विसर्जन होगा तब इनके दर्शन करने के लिए पूरे 365 दिनों का इंतज़ार करना होगा, और इंतज़ार काफ़ी लंबा रहने वाला है। इसलिए हर कोई जो यहाँ उमड़ा हुआ है, जो आया है, वो बप्पा के दर्शन करना चाहता है, और सबकी कोशिश यही कि हर कोई नज़दीक, एकदम नज़दीक जाकर बप्पा को देख सके, बप्पा को महसूस कर सके। तो हम भी इसी कोशिश में कि आपको करीब से करीब ले जाकर बप्पा के दर्शन कराएं। आइए, जो भी हाल और फूल है उनको उतार कर बप्पा को विसर्जन करने की प्रक्रिया अपने जोरों पर चल रही है, और यहाँ लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं बप्पा को। तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल हम जहाँ खड़े हों गिरगांव चौपाटी मुंबई का जो एक मशहूर बीच है, इस बीच तक पहुँचने के लिए आपको करना ये होता है कि जो मुंबई का वेस्टर्न लाइन है वहाँ पर एक स्टेशन है चरनी रोड, वहाँ उतर कर आप कुछ कदमों के कहाँ लेकर चौपाटी पा सकते हैं। और देखिए, ये चौपाटी वैसे खूबसूरत तो नहीं है, पर फिलहाल बप्पा के भक्तों ने ज़रूर इसको खूबसूरत बना दिया है। तो आप एक छोर से दूसरे छोर तक नज़र डालेंगे, वो देखिए वहाँ तक, दूर तक, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो समुद्र की लहरें और दूसरा भक्तों का जन सैलाब। और गणपति बप्पा का समुद्र की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि आज 10वां दिन है, और आज वो दिन है जो बप्पा मोरिया के भक्तों के लिए सबसे दुखदायी होता है, क्योंकि जिस बप्पा का इंतज़ार उन्होंने साल के 365 दिन गेंगे किए, वो बप्पा बस गिनती के दिन उनके साथ खड़ा कर दोबारा अपने घर लौटते हुए, घर यानी सामने नजर आ रहा समुद्र। तो अब जितने ही बप्पा है वो इसी रास्ते से, जो खासकर जो बड़े बड़े गणपति बप्पा है, इसी रास्ते से होते हुए समुद्र की ओर जाएंगे, और जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो यहाँ पर मौजूद लाखों लोग इस नज़ारे को अपनी नज़रों और कैमरों में कैद करने में लगे होंगे, जैसा कि हम फिलहाल कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, आप सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, इस वक्त कहने के बजाय देखना बेहतर होगा। तो देखिए इस भव्य नज़ारे को, आदमकद गणपति बप्पा की मूर्ति को रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। भव्य, एकदम भव्य, अद्भुत नजारा ये गणपति बप्पा मौर्य। और यही नहीं, इनके पीछे इन वेटिंग में और भी बड़े बड़े गणपति बप्पा इंतजार कर रहे हैं। आइए करीब से देखते हैं।
आप बता दें कि मुंबई में साल तकरीबन एक अनुमान है कि 2 लाख गणपति बिठाए गए घरों में और शारीरिक तौर पर 13,000 गणपति की स्थापना की गई, जिनमें से कई गणपति बप्पा को दूसरे दिन, पांचवें दिन और सातवें दिन विसर्जित किया गया, अलविदा कर दिया गया। और आज जो बचे हुए हैं उनका विसर्जन है। और इस मौके पर जब लोगों का हुजूम उमड़ा है तो उनकी सुरक्षा के लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था पूरी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हवाई सुरक्षा वहाँ से हो रही है हेलीकॉप्टर के जरिए, और समुद्र में भी कई बोट तैनात किए गए हैं जो भक्तों को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए उस तरह से तैयार है। और ये कारवा चल पड़ा, ओहो गणपति अप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। पूरा परिसर गूंज उठा। और इसी तरह एक एक कर गणपति अप्पा आएंगे और भक्त उन्हें नम आंखों से अलविदा कहेंगे। बहुत ही भावुक पल ये भक्तों के लिए कि जो भक्त 10 दिन तक नाचते गाते झूमते पप्पा के साथ समय बिताया, उन्होंने उन भक्तों को आज मजबूरन पप्पा को अलविदा कहना पड़ेगा। तो पुलिस भीड़ को संभालती है और पप्पा के लिए रास्ता बनाती है। और मुंबई के मशहूर चिंतामणि के गणपति मुंबई के मशहूर गणपति में से एक है, जिनके दर्शन के लिए 10 दिन में लाखों लोग उमड़ते हैं। जी हाँ, वो गणपति बेहद भाव क्षण है, मैं फिर से कह रहा हूँ, पप्पा के भक्तों के लिए बेहद आंखें नम कर देने वाला रुलाने वाला क्षण है, क्योंकि ये अलविदा कहने का वक्त है। अलविदा कहना हमेशा सबसे मुश्किल काम होता है, और वही काम खेतवाड़ी का चिंतामणि गणपति ने किया। पीछे लिखा हुआ है खेतवाड़ी मंडल से है। एक एक कर सभी गणपति बप्पा भक्तों को अलविदा कहते हुए अपने घर जाते हैं, और भक्त यही कामना कर रहे हैं कि पुरछा वर्षी लवकर या यानी अगले बरस जल्दी या। और इस तरह देखिए एक और भव्य नजारा, बहुत खूबसूरत बहुत शानदार। इतने करीब से दर्शन करने के लिए भक्त 10 दिनों के दौरान 2-2 दिन तक लाइन में रहते हैं। जी हाँ, मुंबई में बप्पा के लिए इतना प्यार है कि लोग एक एक दिन 2-2 दिन लाइन में खड़े रहकर बप्पा के इतने करीब से दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते। और हम आपको दिखा रहे नज़ारा बिना किसी मेहनत के। गुड बाय बप्पा।